So we are learning bank reconciliation statement. Until now, what we have covered? So first of all, we discuss why do we prepare this statement. So as I said earlier, this statement we prepare to reconcile the balance as per the cash book and balance as per passbook. Many times it happens that passbook shows different balance and cash book also shows different balance. So why there is a difference in the bank column of the cash book balance and passbook balance? So in order to know this reason, we have to prepare bank reconciliation statement. So bank reconciliation statement is one statement which is prepared to reconcile the balance as per cash book and balance as per passbook. Then this type of a format I explain you about passbook, that you must have seen the passbook or bank statement. In this way, passbook is given. पासबुक के अंदर आपको आपने कितना अमाउंट विड्रॉ किया है, कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है, आपका कितना बैंक में बैलेंस है, वो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है. नाउडेज बैंक्स आर सेंडिंग बैंक स्टेटमेंट, सो इन बैंक स्टेटमेंट आल्सो वी गेट दिस इंफॉर्मेशन. देयर आफ्टर वी कवर्ड व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन द कैशबुक बैंक बैलेंस एंड पासबुक बैंक बैलेंस. सो डिफरेंट रीजंस वी डिस्कस, जिसमें बहुत सारे रीजंस यहाँ पे बताए हुए हैं कि कभी कभी हम चेक इश्यू करते हैं पर बैंक में प्रेजेंट नहीं होता है, चेक हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं पर अभी तक उसका कलेक्शन नहीं हुआ होता है. तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं और इस वजह से कैशबुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आता है. अच्छा, जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको बनाना है तो कौन से स्टेप फॉलो करना है? तो आपको आपका कैशबुक जो मंथली बनाया जाता है उस कैशबुक को लेना है और साथ में बैंक से जो स्टेटमेंट आया है या तो आपके पास जो पासबुक है वो दोनों को लेके बैठना है. उसमें सबसे पहला पॉइंट है टिक कॉमन आइटम, दैट मीन्स हमको वो आइटम टिक कर देना है जो हमने कैशबुक में लिखा हुआ है और पासबुक में भी बताया गया है. तो जो आइटम टिक करेंगे उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने जो कैशबुक में लिखा है वही पासबुक में भी है, या तो पासबुक में जो लिखा है वो हमारी कैशबुक में, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम उन चीजों से है कि हमने कुछ कैशबुक में बताया हुआ है डेबिट या क्रेडिट बट पासबुक में नहीं रिकॉर्डेड है, या तो पासबुक में कुछ डेबिट या क्रेडिट हुआ है और वो हमारे कैशबुक में नहीं है, तो उससे हमें डिफरेंस पता चल जाएगा. तो सेकंड स्टेप है एसर्टेन द पॉइंट ऑफ डिफरेंस, दैट मीन्स जो पॉइंट्स आपने टिक मार्क नहीं किए हैं, जो दोनों में नहीं है वो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है, और फिर उनको लेके हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है. तो तीन स्टेप है, सबसे पहले कैशबुक और पासबुक लेके बैठना है और दोनों में कंपेयर करना है कि वो कौन से आइटम है जो दोनों में रिकॉर्डेड है. फिर आपको देखना है जो अनरिकॉर्डेड होगी वो टिक मार्क नहीं होगी, कैशबुक में कुछ हुआ लिखा होगा पर पासबुक में नहीं होगा, या तो पासबुक में कुछ लिखा होगा कैशबुक में नहीं होगा. तो ये वो जो चीजें है जो किसी एक जगह पर है पर दूसरी जगह पर नहीं है, उनको लेके हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना होता है बिकॉज दे आर द पॉइंट ऑफ डिफरेंस. देयर आफ्टर मैंने आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बताया था इस तरीके से, और हमने एक दो एक्सरसाइज भी लिए थे. नीड एंड इंपॉर्टेंस हमने समझा था कि व्हाई वी प्रिफर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. तो ये कोई कंपलसरी नहीं है ये स्टेटमेंट बनाना, पर ये स्टेटमेंट बनाने से आपको पता चल जाता है कि डिफरेंस क्यों आ रहा है कैशबुक और पासबुक के बैलेंस में. अच्छा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि बैलेंस दो तरह के होते हैं, एक तो फेवरेबल बैलेंस होता है, एक अनफेवरेबल बैलेंस होता है. मेरे पिछले वीडियो है उसमें भी ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी. फेवरेबल बैलेंस का मतलब ये होता है कि आपका बैंक में बैलेंस है, बैंक में आपके अमाउंट जमा है, बैलेंस पड़ा हुआ है. मान लो आपके बैंक में 50,000 रुपया है तो बैंक में वो अमाउंट है, दैट इज फेवरेबल बैलेंस. या तो आपका कैशबुक बता रहा है कि आपके बैंक में पैसा है, बैंक बैलेंस है, दैट इज फेवरेबल बैलेंस. जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर कैशबुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस आता है तो वो बैंक बैलेंस है, पर वही चीज अगर पासबुक के हिसाब से देखो तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा क्योंकि हमारा जो डेबिट है वो बैंक के लिए क्रेडिट है.
पासबुक में क्रेडिट बैलेंस हो या तो कैशबुक में डेबिट बैलेंस हो, उसका मतलब होता है बैंक में बैलेंस पड़ा है। ये फेवरेबल बैलेंस की बात हुई। अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है इससे टोटली रिवर्स। अगर आपका कैशबुक क्रेडिट बैलेंस बता रहा है, मतलब हमने बैंक से लोन लिया हुआ है, शॉर्ट टर्म लोन बैंक ने हमको दिया हुआ है, जिसको हम एक ओवरड्राफ्ट बोलेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट। और पासबुक में डेबिट बैलेंस है तो उसका मतलब भी यही होगा। तो अनफेवरेबल बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक एंड डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो इस तरीके से बैलेंस होते हैं फेवरेबल और अनफेवरेबल। फेवरेबल का मतलब होता है बैंक में बैलेंस है। अनफेवरेबल का मतलब होता है हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लिया है, मतलब एक एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन लिया हुआ है, जिसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाएगा। देयर आफ्टर वी कवर दिस फर्स्ट एक्सरसाइज इन दैट बैलेंस एज पर कैशबुक वॉज गिवन। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप कैशबुक के बैलेंस से आंसर स्टार्ट करोगे, क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे, तो लास्ट में आपका आंसर पासबुक के हिसाब से आएगा। यहाँ पे आप नंबर वन में देखो, सॉल्यूशन में बैलेंस एज पर कैशबुक से हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि क्वेश्चन में वो दिया था, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो बैलेंस एज पर पासबुक है। अगर आप पासबुक से स्टार्ट करोगे तो आपका आंसर एज पर कैशबुक आएगा। इस चैप्टर में आपको यही समझना है प्लस क्या होगा माइनस क्या होगा। देयर आफ्टर वी टुक दिस सेकंड एक्सरसाइज ऑल्सो। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन विद द थर्ड एक्सरसाइज, और इसको समझने का ट्राई करते हैं। तो सी द इलस्ट्रेशन नंबर 3। ध्यान से समझना, चैप्टर है तो इजी पर थोड़ा उसमें आपको दिक्कत आ सकती है अगर आप सही से नहीं समझोगे। अब इस क्वेश्चन में आपको ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। फर्स्ट टू एक्सरसाइज में मैंने आपको फेवरेबल बैलेंस बताया, दैट इज डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक से हमने एक्सरसाइज किए। अब यहाँ पे कैशबुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट दिया है, जिसका मतलब कैशबुक में क्रेडिट बैलेंस है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। ऑन मार्च 31, 2017 राकेश हैड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹8,000 एज शोन बाय कैशबुक। तो उसका कैशबुक ₹8,000 का ओवरड्राफ्ट बता रहा है, मतलब उसका कैशबुक बता रहा है कि उसके बैंक में बैलेंस नहीं है, पर उसे बैंक को देना है ₹8,000। उसने बैंक से लोन लिया हुआ है ₹8,000 का। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। बाजू में सॉल्यूशन भी आपको दिया है, तो सॉल्यूशन में आप देखोगे तो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऑफ राकेश अप्रैल मंथ का है, और फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो लिखा है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक जो ₹8,000 है, और उसको माइनस वाले कॉलम में बताया हुआ है। क्यों माइनस वाले कॉलम में बताया हुआ है? क्योंकि ये बैलेंस नहीं है, ये ओवरड्राफ्ट है, हमने लोन लिया है, हमारा नेगेटिव में है बैलेंस बैंक में, तो माइनस में हमने बताया है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट पॉइंट। आपको कोई भी बैलेंस दिया जाएगा, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, मतलब ओवरड्राफ्ट दिया जाएगा या तो बैंक बैलेंस दिया जाएगा। अगर बैंक बैलेंस देते हैं कैशबुक के हिसाब से तो प्लस वाले कॉलम में आएगा, पर अगर ओवरड्राफ्ट दिया है तो वो माइनस वाले कॉलम में आप लिखोगे। चलो इतना समझ में आ रहा है आपको? हाँ या ना में जवाब दो बेटा। ओके अब सेकंड पॉइंट आप देखो, चेक्स अमाउंटिंग टू ₹2,000 हैड बीन पेड इन बाय हिम बट वर नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। मतलब राकेश ने ₹2,000 का चेक अपने बैंक में जमा करवाया था। ₹2,000 उसने जब बैंक में जमा करवाया तो उसने अपने कैशबुक में रिसिप्ट साइड बता दिया होगा कि उसको ₹2,000 उसके बैंक में बढ़ गया। जैसे ही चेक जमा किया होगा बैंक में, उसने ₹2,000 अपने रिसिप्ट साइड बता दिए होंगे, क्योंकि जब भी हम बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो कैशबुक में रिसिप्ट साइड हम लिख देंगे। तो उसने डिपॉजिट करवाया था ₹2,000 का चेक, तो उसने अपने कैशबुक के बैलेंस बढ़ा दिया होगा ₹2,000। पर हुआ क्या है कि ये चेक अभी भी बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है, मतलब बैंक में ये अमाउंट जमा नहीं हुई है। तो क्या इसी वजह से डिफरेंस आ रहा है?
बिकॉज ऑफ दिस 2000 रुपीज डिफरेंस इज कमिंग इन द कैश बुक एंड पासबुक। हमने रिकॉर्ड किया है कैश बुक में, पर बैंक के पास अभी तक कलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि बैंक को आप जब चेक दोगे तो बैंक उसको कलेक्ट करेगी, जिस बैंक का चेक है वहां से जाके कलेक्ट करेगी, तो अभी वो कलेक्शन हुआ नहीं है, इसलिए बैंक ने क्रेडिट नहीं किया है। तो हमें इसको सुधारना हो तो क्या करना चाहिए? बस हमने लिखा है उसको कैंसिल कर दो, हमने रिसीप्ट साइड लिखा है मतलब हमने बैलेंस बढ़ा दिया है, प्लस कर दिया है, तो हम उसको हटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखो उसकी इफेक्ट आप देखो, सेकंड नंबर में दिया है चेक्स डिपॉजिट बट एट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, हमने उसको माइनस वाले कॉलम में लिख दिया, मतलब माइनस कर दिया। क्यों माइनस कर दिया? क्योंकि अभी तक बैंक ने कलेक्ट नहीं किया है और हमने कलेक्शन हो चुका है ऐसा हमारे कैश बुक में बता दिया है, रिसीप्ट साइड बता दिया है, इसलिए उसको माइनस कर दिया। तो डिफरेंस का ये पहला पॉइंट था। आ रहा है समझ में आप लोगों को? ओके, नंबर टू, ही इश्यूड चेक ऑफ रुपीज 800 विच वर नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। राकेश ने 800 रुपए का चेक किसी को दिया था, पेमेंट किया था, तो जब भी उसने पेमेंट किया होगा 800 रुपीज के चेक का, तो उसने अपने कैश बुक में पेमेंट साइड बताया होगा, मतलब क्रेडिट साइड बताया होगा, मतलब कैश बुक में उसने 800 रुपीज का बैंक बैलेंस कम कर दिया। जैसे ही उसने चेक इश्यू किया तो कैश बुक में क्रेडिट साइड पेमेंट साइड बता दिया होगा, तो कैश बुक में बैलेंस कम कर दिया उसने, क्योंकि पेमेंट कर दिया उसने। हुआ क्या है, 800 रुपए का चेक अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ है, मतलब बैंक में से अभी बैलेंस कम नहीं हुआ है। जिस इंसान को ये 800 रुपीज का चेक दिया गया वो अभी तक बैंक में गया नहीं है और उसने ये पैसे विड्रॉ नहीं किए हैं, तो हमारा बैंक का बैलेंस इसलिए ज्यादा दिख रहा होगा, जबकि हमने कैश बुक में लिख दिया है इसलिए कैश बुक का बैलेंस कम होगा। तो चलो ये जो मिस्टेक है उसको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, हमने पेमेंट बता दिया है जिसका अभी तक पेमेंट हुआ ही नहीं है, तो वापस उसको इस स्टेटमेंट में एड कर दो। देखो हम कैश बुक में चेंजेस नहीं कर रहे हैं, हम हमारी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में उसको प्लस कर रहे हैं, कैश बुक में कोई चेंज नहीं करना है। वहां पे तो आप लिखोगे ही पेमेंट साइड, क्योंकि कैश बुक में पेमेंट साइड लिखना इसलिए क्योंकि हमने पेमेंट किया है, वो बात अलग है कि अभी तक वो पेमेंट गया नहीं है बैंक से, तो इस स्टेटमेंट में हम इसको वापस लिख दे रहे हैं। तो आप फोर्थ नंबर का पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर फोर्थ, थर्ड नंबर वाला बाद में आ रहा है, पॉइंट नंबर फोर में लिखा हुआ है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, प्लस वाले कॉलम में हमने लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि कैश बुक में हमने इसको माइनस बता दिया था, पेमेंट साइड बता दिया था, पर अभी तक तो ये पेमेंट हुआ ही नहीं है, तो बैंक का बैलेंस अभी तक हमारा कम हुआ ही नहीं है। तो इस डिफरेंस को दूर करने के लिए बैंक के जैसी हमारी पोजीशन हो जाए कैश बुक की, ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे? तो हमने पेमेंट बता दिया था मतलब माइनस कर दिया था, जो यहाँ पे वापस प्लस कर देंगे स्टेटमेंट में, ताकि हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस इक्वल हो जाए। तो एक ये दूसरा पॉइंट है। आगे वाला पॉइंट आपको बता रहा है, देयर वाज अ डेबिट इन हिज पासबुक ऑफ ₹60 फॉर इंटरेस्ट। पासबुक में ₹60 का इंटरेस्ट डेबिट हुआ है, ऐसा बताया हुआ है। अच्छा, पासबुक में डेबिट होना इसका मतलब बैंक ने आपका ₹60 कट कर लिया है, बैंक ने चार्जेस वसूल किए हुए। देखो बैंक में क्रेडिट तब होगा जब आपका पैसा जमा होगा, बैंक में डेबिट तब होगा जब आपका बैंक में से बैलेंस कुछ कट होगा, कुछ पेमेंट होगा। तो यहाँ पे ₹60 बैंक ने डेबिट किए हैं जो हमें पता ही नहीं थे, इसलिए हमने कैश बुक में लिखा नहीं है, तो इस वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो चलो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो बैंक ने ₹60 माइनस कर दिए है तो हम भी कर देंगे, तो इसको माइनस कर दिया है। थर्ड नंबर के पॉइंट में आप देखो बैंक चार्जेस ₹60 माइनस वाले कॉलम में बताया है, क्योंकि बैंक ने जो किया है वो हम करेंगे, और बैंक ने जो चीज नहीं की है पर हमने कर दी है तो उसको हटा देंगे।
जैसे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में मैंने आपको वही बताया, सॉरी सेकंड और फोर्थ पॉइंट में यही बताया कि हमने कुछ प्लस कर दिया था पर बैंक ने नहीं किया तो हमने माइनस कर दिया, जैसे कि 2000। हमने कुछ माइनस कर दिया था पर बैंक ने नहीं किया तो हम उसको वापस प्लस कर देंगे, जैसे कि 800 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये बता रहा है क्वेश्चन में, ₹100 फॉर बैंक चार्जेस, ₹100 बैंक चार्जेस का है, ₹100 बैंक चार्जेस का है, तो बैंक चार्जेस आप माइनस में बता दोगे। क्यों माइनस में बता दोगे बैंक चार्जेस? क्योंकि बैंक ने वो अमाउंट माइनस कर लिया है। अब सब ट्रांजेक्शन हो जाने के बाद आपको टोटल करना है प्लस का और माइनस का। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो वन से लेके फोर तक का टोटल करोगे, वन से लेके फोर तक का माइनस वाले का टोटल करोगे तो वो है 10,160 रुपया, 10,160 रुपीज। और प्लस वाले में आपके पास एक ही आइटम है 800, तो माइनस में से प्लस माइनस कर दोगे आप, 10,160 माइनस 800 करोगे तो डिफरेंस मिल जाएगा आपको 9,360। और ये जो आया आंसर वो है आपका बैलेंस एज पर पासबुक। तो इस क्वेश्चन में बैंक का पासबुक बता रहा है 9,360 ओवरड्राफ्ट और हमारा कैशबुक बता रहा था 8,000 का ओवरड्राफ्ट। तो ये जो डिफरेंस आ रहा था वो क्यों आ रहा था? बिकॉज ऑफ दिस फोर ट्रांजेक्शंस विच वी हैव रिटन इन बिटवीन। तो इस तरीके से बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाया जाता है और इसमें हम बताते हैं कि क्यों इस तरीके से डिफरेंस आया। तो यहाँ पे एक तीन या चार जो रीजंस बताए हैं उस वजह से कैशबुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस डिफरेंट आ रहा था। I think you must have understood this question. If you have any doubt, you please ask me. या तो आप इसका वीडियो भी देख सकते हो जो मैं अपलोड करूंगा और वहां पे भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। Any doubt? No, sir. Okay. So now let us see similar type of exercise. Illustration number 4 आप देख सकते होगे स्क्रीन के ऊपर, जिसमें ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है और हम इसको समझने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट बना दिया है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, जिसमें एक कॉलम प्लस वाला होगा एक माइनस वाला होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं और वन बाय वन उसकी इफेक्ट देते जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप कैशबुक से स्टार्ट करोगे तो आंसर पासबुक के मुताबिक आएगा और अगर आप पासबुक से स्टार्ट करोगे तो आंसर कैशबुक के मुताबिक आएगा। आपको देखना है क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया है। अब इस क्वेश्चन में देखो लिखा है ऑन मार्च 31, 2017 द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑफ अग्रवाल ट्रेडर शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1,18,100 ओवरड्राफ्ट। बहुत क्लियरली बोला है क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक में और 1,18,100 का ओवरड्राफ्ट है, तो ये नेगेटिव बैलेंस है हमारे कैश बुक में। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो देखो सॉल्यूशन में आप देखो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 1,18,100, जिसको हमने माइनस के कॉलम में बताया क्योंकि हमारा कैश बुक बता रहा है कि हमने बैंक से इतना रुपया ज्यादा विड्रॉ किया है, बैलेंस नहीं है फिर भी। और जब आपके बैंक में बैलेंस ना हो और फिर भी आप विड्रॉ करो तो जो एक्स्ट्रा विड्रोवल की फैसिलिटी आपको मिली है उसी को ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो एक तरह का लोन है, शॉर्ट टर्म लोन, जो बैंक अपने अच्छे कस्टमर को जिनकी मार्केट में गुडविल है उनको ये फैसिलिटी देती है कि बैलेंस ना हो तो भी ज्यादा विड्रॉ कर पाए, जिसके लिए आपको ये फैसिलिटी पहले सैंक्शन करवानी होती है बैंक से और बाद में आप उतना अमाउंट ज्यादा विड्रॉ कर सकते हो बैलेंस ना होने के बावजूद। तो यहाँ पे ऐसा हमारा कैशबुक बता रहा है पहला पॉइंट।
आगे आपको बताया है, ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड द बैंक स्टेटमेंट इट वॉज फाउंड दैट। अब इन्होंने क्या किया होगा, मंथ के एंड में कैश बुक को कंपेयर किया होगा बैंक के स्टेटमेंट से, पासबुक से, तो पता चला कि पासबुक में कुछ और बैलेंस बता रहा है और हमारा कैश बुक कुछ और बैलेंस बता रहा है, मतलब डिफरेंस आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, कैश बुक और पासबुक में जो कॉमन पॉइंट है, जो दोनों में लिखे हैं, उनको टिक कर देना है। उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों बुक में लिखा हुआ है। प्रॉब्लम कहाँ है, वो पॉइंट जो कैश बुक में हमने बताया है पर पासबुक में नहीं लिखे हुए हैं, या तो वो पॉइंट जो पासबुक में लिखे हुए हैं पर कैश बुक में नहीं बताए हुए, तो उनको लेके स्टेटमेंट बनेगा। दे आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। तो देखते हैं नंबर वन क्या है। इनको ये चीजें पता चली कंपैरिजन के बाद, चेक्स रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। चेक मिला था किसी का, किसी ने चेक दिया था बिजनेसमैन को, यहां पे बिजनेसमैन का नाम है अग्रवाल ट्रेडर्स, तो अग्रवाल ट्रेडर्स को किसी ने चेक दिया था, मतलब रिसीव्ड हुआ था चेक, तो उन्होंने अपने कैश बुक में बता दिया है। तो चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो डेफिनेटली रिसीप्ट साइड ही लिखा होगा, क्योंकि किसी ने चेक दिया है आपको, मतलब आपको पेमेंट मिला है, तो आपका रिसिप्ट हुआ, तो आप कैश बुक में रिसिप्ट साइड बता दोगे। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड द बैंक स्टेटमेंट, तो पहला पॉइंट ये आया, चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, 12,400 रुपया। पर अभी तक इसको कलेक्शन के लिए सेंड नहीं किया है। मान लो आपने आईटीएम यूनिवर्सिटी को चेक दे दिया, पर यूनिवर्सिटी ने अभी तक वो चेक बैंक में जमा नहीं करवाया, वो इस तरह का केस है। तो जब आपने इसको कलेक्शन के लिए दिया ही नहीं है बैंक में, तो डेफिनेटली बैंक में आपका बैलेंस बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि बैंक में दोगे तब जाके बैंक कलेक्शन करेगा, तो इससे डिफरेंस आ रहा है। तो ये वाला पॉइंट होगा, कैश बुक में लिखा है पर पासबुक में नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमने रिसीप्ट साइड बता दिया है, मतलब हमने हमारा बैलेंस बढ़ा दिया था, तो इस स्टेटमेंट में उसको नेगेटिव में बता दो, कम कर दो, क्योंकि अभी तक ये अमाउंट बैंक में जमा हुई नहीं है, तो माइनस में बता रहा है 12,400। तो सेकंड नंबर पॉइंट में आपको बताया हुआ है, चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, जिसको हम नेगेटिव वाले कॉलम में, माइनस वाले कॉलम में बता रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये अमाउंट कलेक्ट नहीं हुई है। थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय द बैंक। अच्छा, बैंक में हमारा ओवरड्राफ्ट है तो उसके ऊपर बैंक अपना इंटरेस्ट लेगी, तो बैंक ने वो अमाउंट डेबिट कर दिया है, मतलब हमारे अकाउंट से कट कर दिया है, बैंक ने अमाउंट कट कर दिया है, सॉरी मैं जरा सेकंड पॉइंट पढ़ना चाहिए मुझे, सॉरी सेकंड पॉइंट, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक 27,300 बट नो एंट्री वॉज मेड इन द कैश बुक। देखो क्या लिखा है, 27,300 रुपीज का किसी ने बैंक में पेमेंट कर दिया है, मतलब बैंक में बैलेंस बढ़ चुका है, पर हमें पता नहीं था, कस्टमर ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया है हमारे बैंक अकाउंट में, इसलिए कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है, मतलब कैश बुक में हमने इसको रिसीव साइड बताया ही नहीं है। तो ये सेकंड नंबर का ट्रांजेक्शन पासबुक में लिखा हुआ है, क्रेडिट कॉलम में बैलेंस बढ़ा दिया है, पर कैश बुक में नहीं है। तो आपको ऑलवेज याद रखना है, बैंक में अगर कुछ भी किया है तो उसकी इफेक्ट हम देंगे। तो यहाँ 27,300 बैंक का बैलेंस बढ़ चुका है, तो हम भी बढ़ाएंगे, बढ़ाने के लिए प्लस करना है। तो आप देखो यहाँ फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है, पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली, प्लस वाले कॉलम में बताया है 27,300, तो उसको आप प्लस वाले कॉलम में बताओगे, क्योंकि बैंक में वो अमाउंट जमा हो चुकी है। थर्ड नंबर, चेक इश्यूड फॉर ₹1,75,200 नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने किसी को चेक दिया था, हमने किसी को पेमेंट किया था, तो हमने हमारे कैश बुक में पेमेंट साइड बता दिया है,
पर अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ है, मतलब बैंक में से वो बैलेंस कट ही नहीं हुआ है, तो इससे डिफरेंस आ रहा है। तो क्या करना चाहिए, हमने कैशबुक में उसको पेमेंट साइड बता दिया है, मतलब माइनस कर दिया है, तो वापस उसको ऐड कर दो। तो देखो आप फिफ्थ नंबर के पॉइंट में, क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट बट नॉट एंटर्ड इन द कैशबुक 1,75,200। आगे बताएं, इंटरेस्ट ऑफ ₹8,800 चार्ज बाय द बैंक, बैंक ने ₹8,800 इंटरेस्ट काट लिया है, तो बैंक ने माइनस कर दिया है, बैंक ने डेबिट कर दिया है, तो हमें भी करना चाहिए। तो देखो माइनस में होगा, थर्ड पॉइंट बता रहा, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय द बैंक 8,800। पर्टिकुलर्स में आपको क्या लिखना है, पर्टिकुलर्स में आपको वही चीजें लिखनी है जो क्वेश्चन में दी हुई है। तो यहां पे कुछ चीजें ऐसी थी कि जो हमने कैशबुक में बताई है पर पासबुक में इफेक्ट नहीं है, या तो कुछ ऐसी चीजें थी जो पासबुक में है पर कैशबुक में नहीं है। अगर कैशबुक में माइनस कर दिया है और बैंक में नहीं हुआ है तो उसको वापस प्लस कर देंगे। अगर कैशबुक में कुछ हमने रिसीव साइड बता दिया है, हमारा बैलेंस बढ़ा दिया है, और पासबुक में नहीं बढ़ा है तो हम उसको माइनस में रख देंगे। बैंक ने कोई अमाउंट डेबिट कर दिया है तो हम भी माइनस कर देंगे यहाँ पे स्टेटमेंट में। बैंक ने कोई अमाउंट अगर प्लस कर दिया है तो हम भी प्लस कर देंगे। तो इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पे आप टोटल करोगे, तो टोटल करोगे यहाँ पे तो प्लस वाला टोटल ज्यादा है 2,02,500। माइनस वाले में स्टार्टिंग का तीन आइटम का अगर आप टोटल करोगे तो वो कम होगा, तो डिफरेंस आपका माइनस वाले में आ रहा है 63,200। आपको क्या करना है, देखना है कि दोनों में से ज्यादा टोटल कहाँ है। तो ज्यादा टोटल प्लस वाला है, वही टोटल दोनों साइड लिख दो और डिफरेंस निकालो, तो डिफरेंस आ रहा है 63,200। और ये जो आंसर आया वो आंसर बता रहा है बैलेंस एज पर पासबुक। तो इस तरीके से आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। आपको कोई डाउट हो इसमें तो आप मुझे पूछ सकते हो। आई थिंक यू हैव नो डाउट। थैंक यू। नाउ आई एम टेकिंग द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, इलस्ट्रेशन नंबर 5 यहां देख रहे हैं। और बाद में मैंने आपको एक एक्सरसाइज दिया है सॉल्यूशन के लिए। जो आपको खुद ट्राई करना है, एंड में समरी भी दिया हुआ है। ये वाला पीडीएफ मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है आपके गूगल क्लासरूम पर। कुछ सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, जो आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। और लास्ट में थोड़े एमसीक्यूज दिए हुए हैं जिसका आपको प्रैक्टिस करना है। चैप्टर खत्म करने से पहले एक छोटा सा एक्सरसाइज हम ले लेते हैं। जो होमवर्क दिया है उसी में से एक एक्सरसाइज ले लेते हैं ताकि आपको होमवर्क करने में कोई दिक्कत ना हो।
देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज अ बैंक स्टेटमेंट, तो इसी पीपीटी में उसको आपको उसका आंसर मिल जाएगा। फिर आपको बोला हुआ है व्हाट इज कैश बुक, तो हमने जो यूनिट नंबर 2 पढ़ा था, यूनिट नंबर 2 की जो पीपीटी मैंने शेयर किया हुआ है उसमें आपको ये आंसर मिल जाएगा कि व्हाट इज कैश बुक। कैश बुक क्या है? तो कैश बुक एक सब्सिडियरी बुक है जिसमें हम कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। बैंक स्टेटमेंट क्या है? तो बैंक स्टेटमेंट इज अ मंथली स्टेटमेंट इश्यूड बाय द बैंक टू इट्स कस्टमर शोइंग द डेबिट एंड क्रेडिट, डिपॉजिट्स एंड विड्रोवल एंड हिज बैलेंस। व्हाट इज बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट? तो वही तो हम पढ़ रहे हैं। इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर टू रिकनसाइल द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। ये वो स्टेटमेंट है जो हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस डिफरेंट क्यों आ रहा है। फोर्थ नंबर का पॉइंट आपको बताता है व्हाई द प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज नेसेसरी। तो इसी पीपीटी में आपको इंपॉर्टेंस के पॉइंट दिए हुए हैं कि हम इसको क्यों बनाते हैं। तो ये मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है बनाना, पर इसके बनाने से हमें पता चल जाता है कि हमारा कैशबुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस डिफरेंट क्यों आ रहा है, वो कौन से ट्रांजेक्शन है जिसके वजह से डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि गलती हमसे भी हो सकती है, बैंक से भी हो सकती है। कभी कभी बैंक ज्यादा अमाउंट डेबिट कर लेती है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो भी हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ ट्रांजेक्शंस बैंक ने रिकॉर्ड किए हो पर हमने ना किए हो तो वो हमें पता चल जाता है। तो इस स्टेटमेंट का ये इंपॉर्टेंस है कि हमें डिफरेंस के रीजंस पता चल जाते हैं। अब हम एक फिफ्थ नंबर का एक्सरसाइज और सिक्स नंबर का एक्सरसाइज आज लेंगे। अभी मीटिंग में 2 मिनट ही बाकी है इसलिए मैं अभी नहीं ले रहा हूं। नेक्स्ट मीटिंग आप ज्वाइन करना, उसमें हम ये वाला स्टार्ट करेंगे। अभी आप 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर 2 मिनट 5 मिनट के बाद मैं नई मीटिंग शेयर कर रहा हूँ, उसमें आप ज्वाइन हो जाना। वो पीपीटी थोड़ा इसमें ग्रुप में भी डाल दीजिएगा ना, और कभी कभी वो क्लासरूम खुलता नहीं। हाँ ओके 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 सर ओके।